बच्चों बांधती इतना छाला मार मार के मशहूर हो गई, ऐसे मशहूर नहीं हो जाता। अरे कोई अच्छा कंटेंट लाए। रख फकीरा दुनिया पे ऐसा बैन खलोड़, बेहजाबा ना वो सावन, स्केल बड़ा थले। लोग गाने के पैसे देते हैं ना, ते ऐसा ना लोग चुप करके पैसे देते हैं। मामाई मामाई मैं शीरी मदारी हूँ, मदारी नहीं मदारी। अरे शर्म कर, ऐसा नहीं तेरी में पाप नहीं है, मैं क्या एक दो तीन चार जाए तो मेरे छीन छीन पाप नहीं है। क्या तेरा जले इंजन वर्गा मुहे? तानू कह रहे ने पाइन। मैं तो बजदा नाच के एक बार मरूंगा, वो कह रहा मैं रोज मारूं, पता नहीं क्या चक्कर। अरे ना कोई हयात या कोई एथिक्स भी होता है तुझको। नाज़रीन मेरा नाम उस्मान मिठा और आज हम मिठी कड़वी बातें करेंगे मुशरफ और मुदस्सिर के साथ। ये हमारे दोनों ब्लाइंड बच्चे हैं, मुशरफ को थोड़ा बहुत नज़र आता है लेकिन मुदस्सिर को बिल्कुल माइनर सा नज़र आता है। इसने डबल मास्टर किया है मुशरफ ने, और वो उसने जो मुदस्सिर है उसने बीबी ऑनर कर रहा है। ये बहुत सारे लोग जो इस तरह के ना, वो अपनी मजदूरी को ना, जो वो लोग बाय सड़कों पे खड़े होते हैं और वो नबीना होते हैं और वो मांग रहे होते हैं, लेकिन ये बच्चे पढ़े लिखे हैं, इनके पास इतना हुनर है। ये टीवी शोज करते हैं, उसके अलावा इनके आपस का एक ग्रुप है जो बैठ के सारे काम करता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा मुशरफ से। मुशरफ कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र मिखा भाई, आप कैसे हैं? मुशरफ आप अपने बारे में कुछ बताओ ज़रा। मिखा भाई, जब ये हमारा फेज आया था ना ब्लाइंडनेस का, तो एकदम से हम हमारी ज़िंदगी में जैसे अंधेरा आ गया हो, तो कुछ भी करने समझने को कुछ समझता नहीं था हमें, कुछ सोचता नहीं था यार क्या करेंगे आगे लाइफ में, कैसे हम जो है सफ़र करेंगे, हमने कैसे सर्वाइव करना है। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कार वहाँ चलता गया, लोग मिलते गए हमें और हमें मोटिवेशन मिलती गई अपने बड़े भाई से, क्योंकि उनको भी बिल्कुल नज़र नहीं आता, उनकी भी आई साइड जो है वो बिल्कुल जा चुकी। तो हमारी इंस्पायरेशन मोटिवेशन वही थे, उनसे हम मोटिवेट हुए और हमारे माँ बाप ने हमें कहा बेटा आपने अपनी कमज़ोरी, ये जो मजदूरी है इसको कमज़ोरी नहीं बनाना, बल्कि अपने आप को इस काबिल करना है ताकि दूसरे स्पेशल पर्सन जो आप लोग की तरह हैं वो लोग मोटिवेट हों आपसे, वो आपसे इंस्पायर होने चाहिए। तो इसलिए फिर हमने हर की हमने ड्रामेटिक्स की, हमने म्यूज़िक सीखा, हम आज डबल मास्टर्स कर लिया है, तो ये सब इसलिए ताकि हमारे दूसरे स्पेशल पर्सन जो हैं वो मोटिवेट हो सकें। तो सर आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ, पर माँ जी होता भी शुक्र है। yeah. माँ जी होता भी शुक्र हो गई जी बस। अच्छा, इसकी बातें आपने सीरियस नहीं लेनी, ये बड़ा मजाकिया बच्चा है। मुदस्सिर अपने बारे में बताओ जरा, आपको पहले नजर आता था? जी बिल्कुल, मैं मेरी सारी स्कूलिंग जो है वो APS की है, देन आई वेंट टू गैरेजन बॉयज हाई स्कूल एंड अल्लाह का शुक्र है मेरा इंटर जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज से, मुझे 8th क्लास में इशू हुआ था आई साइड का, पहले बिल्कुल ठीक था और ये बाद में इशू स्टार्ट हुआ आई साइड का, आई साइड का मैंने जाते जाते सातवें आसमान की कर देखता था। मुझे ये बताओ कि आपको कितनी देर हो गई है कि जो आपको बिल्कुल नजर आना बंद हो गया? हाँ जी, मुझे तकरीबन जब मैं बीबी ऑनर्स में तकरीबन 4 साल हो गए, तो मेरी ओपिनियन जो है ना बहुत कम रह गई है, मतलब लाइट और अंधेरे का फर्क है। शरफ दुख होता है? पहले होता था लेकिन अभी नहीं होता। मुदस्सिर आपको? हाँ जी, दुख तो होता है, जो मुआशरा हमारा है ना वो जीने नहीं देता, वो जब हम जा रहे होते हैं वो वे ना जा रहे, वो वे वापस जा रहे, इस तरह के जो इसका बात होते हैं वो पिंचिंग होते हैं। और दूसरी बात ये सोसाइटी का बहुत गलत ट्रेंड है कि हमारे जो ब्लाइंड हो गए वो डबल मास्टर भी कर लें ना, ना पढ़ लिख जाए फिर भी उन्होंने रहना अन्ने से अन्ने के हाथ से आपस ही, ये बहुत गलत सोसाइटी है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात कहूँ, ये बड़ा अच्छा गाते हैं, हम इनसे कुछ सुनते हैं। शरफ आपको सुनाओगे हमें? जी जी ज़रूर, आप सुनना पसंद कर रहे हैं तो हम जरूर आपको सुनाएंगे। और जी इतना अच्छा गाते हैं कि लोग गाने के पैसे देते हैं ना, तो इन्हना लोग चुप करके पैसे भी देते वो तो हमारी ऑडियंस देख के ही सुन के बताएगी। हाँ बिल्कुल, आप कैसे क्या सुनना पसंद करेंगे? लिखा दो जो आप सुना देंगे। बेहजाबा ना वो सावन, स्केल बड़ा थले वो खट्टी मिट्टी बातें हो रही हैं, कोई बात नहीं, इनको करने दो। मुझे वो जो अभी आपने पहले शुरू किया था वो सुनाओ। तुझको हारने वाला नहीं यार, वो जो अभी इससे पहले वो
ये मुदस्सिर बड़ी अच्छी आवाज भी निकालता है। मुदस्सिर कोई आवाज निकाल के दिखा रहा चलो जवानी से टकरा गए आंख उनकी लड़ी यूं मेरी आंख से देख कर ये लड़ाई मजाया गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा ही इतना आया कि दसिए क्या कहने की तारीफ भाई भावे शेर से कह पाई कि नहीं पाई मैंने पता है कि तू सर से काली टोपी पाई है नागरिन को बताता चलूं कि जितनी भी कैप में छुपा ली ना थलो पाए गंजे ने टप्पा टिंडे कोई नहीं लोगों ने उनकी टोपी बनानी होती है ना फिर चलो कि साहब बाकी गंजे यार कोई दल नहीं होगी पाए मेरी कमर च चुत पै गई तंदूरा वाली टोपी पाई मुदस्सिर यार यार मुशर्रफ आप इतना अच्छा करते हो आपकी तो लड़कियां बड़ी फैन हो ये कॉन्फिडेंशियल है नहीं मैं तो बता देता हूं सारे भाई तू हर गल से टोपी चुकी जा तू टोपी कोई नहीं उन्हें इज्जत रह गई थी मुआशरे की अच्छा ये जो हमारे भाई है ना इतने प्यारे इनके पास एक बड़ा 6 लड़कियां खड़ी हो रही उनको गाना सुना रहे बड़ा जी आ एक अजनबी हसीना से मुलाकात होगी सच्चा वाकया बता रहे अच्छा मैं ना थोड़ा पास खड़ा था लड़की ना बात हुई यार तो मैंने ना बाद में लड़की से पूछा है लड़की कैसी है मतलब लड़की जाने नहीं देते अपने हाथ से ना जी ना जेडी आंदी होए ते ओनु वेलकम ते जेडी जांदी होए ओनु जान दे मेरी अच्छा मेरी बात मुदस्सिर आप वो जो आवाजें निकालते हैं उन्हें इमरान खान साहब की भी करते हैं कॉपी सारी बात यार देखे आपने घबराना नहीं है मुल्क में बत्ती जा रही है तो मेरा कोई लेना देना नहीं ए कौन सानू कपड़ा आंदे माफ कर हूं देखे मेरी बात सुने ओए टिंडे ने मुंह वाला मेरी बात सुन सारी बात यार क्या आपने घबराना नहीं है और मैं यार एक मिनट यार टिंडे ने मुंह वाला ऐसे मशहूर नहीं होना चाहता अरे कोई अच्छा कॉन्टेंट लाए मुल्क को आगे बढ़ाए फाशी ना अपनाए अरे पर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ देखे मैं आपसे कह रहा हूँ तू कुड़ी है मेरे को दूर हो जा
नहीं मतलब आपको ऐसा क्या लगता है कि हमें दूर कर रहे हैं आप? वैसे जो है ना वो जो है गर्मियों में कभी कभी मैं भी छप्पड़ में नहा लेता हूँ जो है छप्पड़ में नहा यार वैसे एक बात कहने में मुंह मैं हंसा या घबरावा रोना भी आ रहा है खट्टी मीठी गल्ला ने ना सिर्फ पाइन की करिए लगदियां ने इधरों भी ते इधरों भी चलो तुझे ज्यादा ही लग रही है बात तेरा जले इंजन वर्गा मुहे तानू कह रहे ने पाइन तानू कह रहे ने सेंटरी बैक लगता गलती करती मैं मतलब आपकी क्या हॉबीज है? मेरी हॉबीज मीठा भाई ज़्यादा तो मैं यानी अभी मेरी कोशिश यही होती है कि मैं गिटार के साथ अपना ज़्यादा वक्त गुजारता हूँ, पियानो के साथ म्यूजिक करते हैं और हंसना सी तो सर आप बताओ आपकी क्या क्या हॉबीज है? मेरी हॉबीज ये है कि मैं पियानो बजा लेता हूँ। वाह वाह जो हमें कमी के बावजूद हमें कमी है ना तो वो हमसे ये नहीं होते थे कि हमारे अंदर एक कमी और वो हमें कहते हैं कि नहीं यार तो अगे बदो यार आप कर सकते हो यू कैन डू तो ये वाला जो जज्बा है ना यू कैन डू मैं दो बार केटू पहाड़ थले जाके हो गया मैं कह दी मिठा भाई ने क्या थी तू कर सकना है चढ़ जा यकीन करो मिठा भाई हौसला ही नहीं पिया अच्छा यार ये आप लोगों की कमजोरी नहीं आप लोगों के पास बहुत बड़ी खूबी देखो कितने लोगों को हंसा रहे हैं बस अलावा मीठा भी एक शेर है जो हमारी जिंदगी का वो असूल बन गया और हमारा राह अमल है कि रख फकीरा दुनिया ते ऐसा बैन खलोट क्या बात और दूसरी बात यह कि मैं ये कहना चाहता हूँ अफराद के हाथ खोले है अवाम की तकदीर ये जो मुल्क है ना ये कौमें बनती है ये ऐसा नहीं बनती इसमें थूला लंगड़ा खुसरा मुसरा है चीजें नहीं होनी चाहिए हम सब इंसान हैं कोई भी अगर मुझ में एक कोई कमी आई है तो मैं खुद ऐसा पैदा नहीं हुआ आप जैसे जो लोग हैं जिनको नजर नहीं आता कुछ लोग बाहर खड़े होकर मांगते भी हैं कोई ग्रुप बना हुआ है जिन्होंने बंदे हायर किए हैं उनको आगे भेजते हैं उन लोगों को क्या पैगाम दोगे आप उनको मैं यही कहूँगा कि यार शर्म करो किसी यार आप 1 रुपया किसी से मांगो ना अपने आप को 1 रुपया कमाने के काबिल कर दो इस तरह जो है ना वो हमारा इमेज बहुत डाउन जाता है आप मेहनत कर सकते हो क्यों नहीं कर सकते अब कितने नाबीना लोग हैं अब आप जैसे मैं जिक्र करूँ तो साइमा सलीम है जिन्होंने ट्रीटमेंट जनरल असम्बली में खिताब भी किया उसके बाद यूसुफ सलीम जो जज सिविल बने हैं तो यार आप कर सकते हो मेरे भाई आप इशारे में खड़े होके मांगोगे दिन का कितना कमा लेगा है ये मैं उन लोगों से सवाल पूछ लूँ जो खड़े होकर मांगते यार कितना कमा लेगा चलो आप क्या कहोगे मैं यही कहूँगा कि अवेयरनेस की भी कमी है कि जो स्पेशल पर्सन के लिए स्पेशली लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है और परसेप्शन है उसको चेंज करना चाहिए कि हम लोग जो हैं वो हर काम कर सकते हैं तो हमें जो है आप बिल्कुल नकारा जिसमें आप समझते हैं कि हमारी हम सोसाइटी का हिस्सा है यार तो हम लोगों को आप एक्सेप्ट करें और हमसे आप लोग इंस्पायर हों हम चाहते हैं आप लोग मोटिवेट हों हमसे यार अगर हम कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते अच्छा मैं आप लोगों को नाज़रीन एक बात बताऊँ सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा ये है पाकिस्तान इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा इससे हम एक छोटा सा सॉन्ग सुनेंगे उसके बाद हम आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे शरफ यारी उन्हें फिर गाना सुना नहीं अरे पीलू कोई नहीं दे इनको थोड़ा सा गाना सुना दे जो ऑडियंस है हमारी वो खुश हो जाएगी तो उसमें क्या
अच्छा तुम्हें कौन सा गाना सुनाऊं? रोमांटिक सॉन्ग सुना तो अपने प्यारे से अच्छे से नाज़रीन के लिए ये एक प्यारा सा गाना, लेकिन शर्त एक तो ही है कि गाना सुनने और प्रोग्राम देखने के बाद आपने करना क्या है? बात ही दसा दी चैनल को करना है सब्सक्राइब। गाना सुनते हैं तेरे नहीं खोले होनी ना तू कदे हुए अखियां तोले सदरा दे हुए दिन तेरे नहीं खोले होनी ना तू कदे हुए अखियां तोले तेरे नाल डूबना तेरे नाल तरना तेरे नाल जीना तेरे नाल मरना प्यार मेरा तू टकड़ी च तोलना वे प्यार मेरा तू टकड़ी च तोलना इको दिल सीरिया मेरे कोल ना मैं ते लुटी गई तोलना मैं ते लुटी गई बिलाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना वे लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना इको दिल सीरिया मेरे कोल ना मैं ते लुटी गई ढोलना इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। मुशर्रफ और मुदस्सिर को लाइक और कमेंट करके बताना है कि कैसे बच्चे हैं। इस तरह के बच्चों की प्लीज़ कदर करें, ये देखने वालों से ज़्यादा अच्छे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।